रोहित ब्रिगेड के लिए सबसे बड़ी चुनौती कुछ ही दिनों में शुरू होने को है। भारत के इंग्लैंड दौरे की घड़ियां नजदीक आ चुकी हैं और पहले ही इम्तिहान में रोहित की सेना के पास इतिहास रचने का मौका होगा। दरअसल वर्तमान में टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ की अगुवाई में भारत ने 1971 के बाद इंग्लैंड को उनके घर में जब टेस्ट सीरीज में धूल चटाई थी वो साल 2007 का था, लेकिन उसके बाद से ही भारत इंग्लैंड के 3 दौरे कर चुका है। इसमें 2 MS धोनी और 1 विराट कोहली के अंडर आया था, पर बीते 15 सालों में टीम इंडिया कभी भी इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीतने में सफल नहीं हो सकी है। लेकिन इस बार माहौल और आंकड़े दोनों भारत के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। आगामी दौरे पर खेले जाने वाले एकमात्र टेस्ट मैच से पहले भारतीय क्रिकेट टीम ने जो विराट कोहली की कप्तानी में करिश्मा कर दिखाया है उसने रोहित शर्मा की टीम के लिए कार्य काफी आसान बना दिया है। ऐसे में दोस्तों आइए इस वीडियो में जानते हैं किस तरह पिछले साल कोरोना वायरस के चलते आखिरी टेस्ट मैच टाले जाने तक इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम ने टेस्ट मैचों में की थी मेजबान टीम पर चढ़ाई, दौरे पर किस किस ने अपने बल्ले से मचाया था तहलका और किसने गेंद से किया था इंग्लिश बल्लेबाजों को धराशाही। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का 5वां मुकाबला इस दफा एजबेस्टन में 1 से 5 जुलाई तक खेला जाएगा। आपको बता दें टीम इंडिया पिछले साल विराट कोहली की अगुवाई में अगस्त सितंबर में इंग्लैंड दौरे पर गई थी, तब 5 टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला नहीं खेला जा सका था और कोरोना वायरस के कारण मैच को टाल दिया गया था। लेकिन अब वही मुकाबला एजबेस्टन में आयोजित होगा जिसके बाद सीरीज का फैसला किसी एक टीम के हक में जाएगा। ऐसे में आइए दोस्तों एक बार पीछे जाकर पिछले दौरे पर हुए 1 से बढ़कर 1 टेस्ट मैचेस की यादों को ताजा करते हैं। विराट की सेना 2018 के बाद इंग्लैंड की धरती पर टेस्ट सीरीज जीतने के इरादे से दूसरी दफा पहुंची थी। पिछले दौरे पर भारत को 3-1 से शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार भारत को सीरीज में फेवरेट बताया जा रहा था। ऐसे में सीरीज की शुरुआत नॉटिंगम में हुई जहां इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन भारत की जबरदस्त गेंदबाजी के आगे अंग्रेजों ने घुटने टेक दिए। इकलौते जो रूट ने जिन्होंने 64 रनों की कप्तानी पारी खेली उन्हें छोड़कर कोई भी इंग्लिश बल्लेबाज विकेट पर टिकने में कामयाब नहीं हो सका, जिसके चलते मेजबान टीम की पहली पारी मात्र 183 रनों पर ही सिमट गई। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने 4, मोहम्मद शमी ने 3, शार्दुल ठाकुर ने 2 और मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट अपने नाम किया था। दोस्तों इस दौरे से ठीक पहले स्क्वाड में मौजूद ओपनर मयंक अग्रवाल दुर्भाग्यवश चोटिल हो चुके थे, लेकिन एक का नुकसान जैसे दूसरे के लिए फायदे का सौदा बन गया। उस समय खराब फॉर्म के कारण टीम से बाहर चल रहे केएल राहुल ने तब चोटिल मयंक की जगह ली और पहली पारी से ही केएल ने मिले हुए मौकों को दोनों हाथों से लपकना शुरू किया। इंग्लैंड के 183 रनों के जवाब में केएल राहुल ने ओपनिंग करते हुए 84 रन बना दिए। वहीं जडेजा ने भी 56 रनों की बहुमूल्य पारी खेली और टीम इंडिया पहली पारी में 278 रनों पर पहुंच गया, लेकिन भारत को 95 रनों की अच्छी बढ़त मिली थी। लेकिन फिर दूसरी पारी में इंग्लिश टीम ने भी जबरदस्त वापसी की। कप्तान जो रूट के 109 रनों की बदौलत इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 303 रन लगा दिए थे। जहां भारत के लिए बुमराह ने पंजा खोला वहीं सिराज, शार्दुल ने 2-2 और शमी ने 1 विकेट लिए, लेकिन बावजूद इसके भारत को जीत के लिए चौथी पारी में 209 रनों का लक्ष्य मिला। लेकिन क्योंकि इस मुकाबले में कई बार बारिश ने अपनी खलल डाली थी इसकी वजह से भारत को दूसरी पारी में ज्यादा गेंद खेलने का मौका नहीं मिला। टीम ने दूसरी पारी में 1 विकेट पर 52 रन बनाए। राहुल ने 26, रोहित ने 12 और पुजारा ने नाबाद 12 रन बनाए, लेकिन मैच ड्रॉ हो गया, जिसके बाद इंग्लिश कप्तान जो रूट को दोनों पारियों में बेहतरीन बल्लेबाजी करने की वजह से प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। बारिश के वजह से सीरीज में लीड लेने का मौका भारत के हाथ से निकल चुका था। ऐसे में 1-0 की बढ़त लेने के लिए टीम इंडिया सीरीज के दूसरे मुकाबले के लिए आइकॉनिक लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम पहुंची। यहां एक बार फिर इंग्लैंड ने टॉस जीता, लेकिन इस दफा जो रूट ने पहले गेंदबाजी चुनी, पर उनका ये फैसला पूरी तरीके से बैकफायर कर गया। केएल राहुल ने ट्रेंट ब्रिज का फॉर्म यहां भी जारी रखा और क्रिकेट का मक्का में शानदार 129 रन बनाकर अपना नाम लॉर्ड्स के ओनर बोर्ड में दर्ज करवा लिया। उधर रोहित शर्मा ने भी बेहतरीन 83 रन किए, जबकि कप्तान विराट कोहली ने 42 और रविंद्र जडेजा ने 40 रन बनाए, जिसके चलते टीम इंडिया ने पहली पारी में 364 का मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया। इधर इंग्लैंड के लिए एंडरसन ने 5 ले लिया, जबकि रॉबिन्सन ने 2 और मार्क वुड ने 2, वहीं मोइन अली ने 1 विकेट चटकाए। लेकिन इंग्लैंड की टीम इतनी आसानी से हथियार डालने वालों में से नहीं थी, उन्होंने भी पहली पारी में 391 रन बना डाले।
कप्तान जो रूट ने 180 रन ठोक डाले। वहीं जॉनी बेरस्टो ने 57 और रॉरी बंस ने 49 रनों की पारी खेली। भारत के लिए सिराज ने 4, ईशांत ने 3 और शमी ने 2 विकेट लिए। लेकिन इंग्लैंड पहली पारी में 27 रनों की बढ़त लेने में कामयाब हो गया। हालांकि 27 रनों से पिछड़ने के बावजूद भारत ने जबरदस्त वापसी की और अपनी दूसरी पारी 8 विकेट पर 298 रन बनाकर घोषित की। भारत के लिए ऊपर से अजिंक्य रहाणे ने 61 और चेतेश्वर पुजारा ने 45 रन बनाए, लेकिन अंत में मोहम्मद शमी के नाबाद 56 और बुमराह के नाबाद 34 रनों ने भारत को मुकाबले में जान फूंक दी। लेकिन बुमराह शमी की पार्टनरशिप की बदौलत भारत ने इंग्लैंड को चौथी पारी में 272 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रख दिया। लेकिन इसके जवाब में इंग्लिश टीम केवल 120 रनों पर ही ढेर हो गई। जो रूट ने 33 और जॉस बटलर ने 25 रन बनाए। भारत के लिए सिराज ने 4, बुमराह ने 3, ईशांत ने 2 और शमी ने 1 विकेट झटके और भारतीय टीम ने लॉर्ड्स में अपना परचम लहराते हुए 151 रनों के बड़े मार्जिन से मुकाबला जीता और सीरीज में 1-0 से आगे हो गया। विराट कोहली लॉर्ड्स में टेस्ट जीतने वाले कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी के बाद भारत के तीसरे कप्तान बने। वहीं केएल राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। लॉर्ड्स में तिरंगा लहराने के बाद भारत अपनी बढ़त को कायम रखने हेंडिकले पहुंचा, जहां लीड्स में सीरीज का तीसरा टेस्ट खेला गया। यहां भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीता और हेंडिकले की बॉलिंग विकेट पर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला बोल्ड फैसला ले लिया। लेकिन उनका ये फैसला टीम पर ही भारी पड़ गया, क्योंकि टीम इंडिया पहली पारी में मात्र 78 रनों पर ही ढेर हो गई। सिर्फ रोहित ने 19 और रहाणे ने 18 रन बनाए, बाकी कोई बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को भी नहीं छू सका। जिसके बाद इंग्लैंड ने पहली पारी में 432 का पहाड़ खड़ा कर एक तरह से भारत को मुकाबले से बाहर ही कर दिया। फिर से जो रूट ने शतक जड़ा। रूट ने 121 रन बनाए और एक बार फिर कप्तानी पारी खेली। वहीं डेविड मलान ने 70, ओपनर हसीब हमीद ने 68 और रोरी बंसन ने 61 रन बनाए। भारत के लिए शमी ने 4, बुमराह, सिराज और जडेजा ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। लेकिन इंग्लिश टीम को 354 रनों की बड़ी बढ़त हासिल हो गई और भारत के लिए मुकाबले में जीतना नामुमकिन हो गया। टीम इंडिया के लिए मैच ड्रॉ कराना भी बड़ी चुनौती होने वाली थी और इंग्लिश टीम ने इसका भी मौका भारत को नहीं दिया और भारतीय टीम दूसरी पारी में 278 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। पुजारा ने 91, रोहित ने 59, कोहली ने 55 रन करके लड़ाई जारी रखने की कोशिश तो की, पर इंग्लैंड ने टीम इंडिया को पारी में 76 रनों से हराकर सीरीज को 1-1 से बराबरी पर ला खड़ा कर दिया। तेज गेंदबाज रॉबिन्सन को मैच में 8 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। सीरीज 1-1 की बराबरी पर थी और ऐसे में चौथा मुकाबला लंदन के कैनिंगटन ओवल में खेला गया। यहां इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और भारतीय टीम 191 रनों पर सिमट गई। शार्दुल ठाकुर ने 57 और कोहली ने 50 रन बनाए। इंग्लैंड की टीम ने पहली पारी में 290 रन बना दिए। ओली पॉप ने 81 और क्रिस वोक्स ने 50 रन बनाए। भारत के लिए उमेश यादव ने 3, बुमराह और जडेजा ने 2-2, शार्दुल और सिराज ने 1-1 विकेट लिए और इंग्लैंड को 99 रनों की बढ़त मिली। लेकिन भारत ने दूसरी पारी में शानदार वापसी की और 466 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। टीम इंडिया के वर्तमान कप्तान रोहित शर्मा ने 127 रन बनाए और विदेशी सरजमी पर अपना पहला टेस्ट शतक भी जड़ दिया। पुजारा ने भी 61 रनों की पारी खेली। इसके अलावा पंत ने 50 रन और पहली पारी में अर्धशतक लगाने के बाद दूसरी पारी में भी शार्दुल ठाकुर ने 50 पूरी की, जिसके बाद इंग्लैंड को जीत के लिए 268 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य मिला और यहां भारतीय गेंदबाजों को कंबाइंड एफर्ट के दम पर भारत ने इंग्लैंड को 210 रनों पर ही समेट दिया और टीम इंडिया को 157 रनों से जीत मिल गई। भारत के लिए उमेश यादव ने 3 विकेट झटके, वहीं बुमराह, जडेजा और शार्दुल को 2-2 सफलता मिली, जबकि रोहित को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिसके चलते फिलहाल श्रृंखला 2-1 से भारत लीड कर रही है और रोहित ब्रिगेड के पास आखिरी मुकाबला ड्रॉ करके भी सीरीज जीतने का सुनहरा मौका होगा। इसके अलावा अभी तक इस सीरीज में इंग्लैंड के जो रूट ने सबसे अधिक 4 मैच में 94 की औसत से 564 रन बनाए हैं। वहीं भारत की बात करें तो कप्तान रोहित शर्मा सबसे आगे हैं। उन्होंने 4 मैच में 368 रन किए हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बार जो रूट और कोहली दोनों बतौर बल्लेबाज टेस्ट मैच में हिस्सा लेंगे और भारत की कप्तानी रोहित तो वहीं इंग्लैंड की कप्तानी बेन स्टोक्स संभालते हुए नजर आएंगे। उधर गेंदबाजों में इंग्लैंड के ओली रॉबिन्सन सीरीज में सर्वाधिक 21 विकेट लेकर शीर्ष पर हैं। वहीं जसप्रीत बुमराह 18 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर हैं और एजबेस्टन में होने वाले टेस्ट मैच में भी खेलते हुए नजर आने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, इस बार कौन सी टीम बाजी मारेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्रिकेट इन इंडिया को।